मतलब घाटी मसाला तो आपको दिख जाएगा और ये बेसन की चटनी भी आपको मिल जाएगी, बट ये चीज प्राइस द बटाटा इनटू द थेचा, इसका प्राइसिंग कैसे होता है? वेट पे होता है, इज 1 rupees 50 paise पर ग्राम। इसके वेट पे ना, बॉडी वेट पे नहीं। हाय गाइस, सन विद द साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और मुंबई की गर्दी के इस एपिसोड में आपको अनोखा खाना दिखाएंगे, वड़ा पाव ऐसा जो आपने सोची ना होगी और दही ऐसा जो आइसक्रीम का धोखा दे दे। स्टार्ट कर रहे हैं राजमाता वड़ा पाव से। यहाँ पे थेचा की चटनी मिलती है, क्या खास है क्या नहीं है आइए देखते हैं अंदर चल के। गरम गरम बटाटा फ्राई हो रहे हैं, देखो ये बटाटा निकल रहे हैं, इनका साइज कितना मैसिव जंबो साइज का है। वाह, और साथ में ना बटाटा, तो भाई देखो मुंबई में हर जगह पे वड़ा पाव का जो वड़ा है वो तो स्पेशल होता ही है, पर यहाँ पे वड़ा से ज़्यादा स्पेशल जो है साथ में चटनी देते हैं ना, और एक और चीज़ देते हैं उससे किक आ जाएगा लाइफ में, वो चीज़ बहुत स्पेशल है। फुल स्पीड में भैया का हाथ चल रहा है। कितने टाइम से है ये? 40 साल से पहले 35 पैसे में वड़ा पाव बेच रहा था मैं। अच्छा, 35 पैसे में? हाँ। अच्छा, अभी कितना हो गया? अभी 18 रुपये। 18 रुपये? अच्छा, इतना समय हो गया? इतना समय हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा दे रहे थे ठेचा के साथ में? ठेचा ठेचे के साथ ही दे रहे था। तो कैसे ख्याल आया कि मतलब वड़ा पाव और ठेचा तो एकदम अलग अलग हो गया ना? हाँ। तो ख्याल कैसे आया? अच्छा सोचा मैं, अभी वो रिक्शा वाला आता है मेरे पास, नहीं नहीं बोले तो थाना का 30 टका रिक्शा वाला मेरे पास है। अच्छा। बजी वड़ा पाव का सा फ्री। अच्छा। फ्री देता है वो, फ्री क्यों? हाँ। वो लोग 10 जन को बोलते हैं, एक रिक्शा वाला 10 रिक्शा वालों को बोलता है। फ्री मार्केटिंग, मार्केटिंग है ये। भाई बिजनेस में मार्केटिंग बड़ा जरूरी है। एक बंदे को पसंद आएगा वो और 10 को बताएगा, वो और 10 को बताएगा, एक को बजी देगा वो 10 जन को बोलता है इधर आओ इधर आओ, कहाँ वो बढ़िया बोलता है, मेरे को कैमरे में एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, और रिक्शा वाले एडवर्टाइज करते हैं फुल एडवर्टाइज। ये बहुत बढ़िया। आपका नाम? सदानंद सिंह। सदानंद जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, मार्केटिंग का एडवाइस दिया हम लोगों ने। और ये ठेचा वाला बटाटा खाने के लिए मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, मजा आता होगा लोगों को खा के, बोलते होंगे बढ़िया बनाया। अरे मस्त बनाया, किक आया इसमें, बोले बहुत मजा है, किक लगा। राम मारुति रोड, नो बड़ा खाना 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 खाने खाने खाने, थोड़ा मराठी सीख रहे हैं, सुंदर टाने। अच्छा, ये निकलते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं चटनी की तरफ, और चटनी आपको जो दिखाएंगे ना मन खुश हो जाएगा। एक जो आपने पहले चटनी खाई है, हाँ उसके सिमिलर है, उसमें एक लेवल थोड़ा सा उसके अंदर और एक्स्ट्रा जाएगा इसमें। हाँ, थोड़ा किक आएगा, किक तो बहुत जरूरी है लाइफ में, और बटाटा भी बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी बटाटा, इतना स्वाद लग रहा है ना, इतना साइज देखो, हाँ मैसिव साइज है इनका, ये साइज मैंने देखा नहीं इतना बड़ा का, नाइस, गर्मा गर्म बड़ा, गर्मा गर्म बटाटा बटाटा, और ये पड़ जाएगा पाव में तो बन जाएगा क्या, वड़ा पाव, वड़ा पाव, यही तो मुंबई का पूरा रग रग में बसा हुआ है वड़ा पाव। ये बात, ये वड़ा पाव का पैकिंग हो रहा है, ये बटाटा पड़ा, अच्छा वो अलग अलग पैकिंग होता है, पाव अलग है, पाव अलग बटाटा अलग, पाव देखो कितने सॉफ्ट से हैं। अच्छा भजी बांध रहे अभी, अभी भजी बांध रहा हूँ, एक बार जब ये पैकिंग करेंगे ना फिर ये चटनी भी बताना क्या क्या है। चटनी बना दो। हाँ, यही तो खास है, किक है इसमें, ये मिर्ची का चटनी है, ठेचा ठेचा, मिर्ची का ठेचा, बेसन का चटनी है वो, बेसन चटनी वाला तो कुछ पैकेट दे, एक है घाटी घाटी चटनी, पैकिंग का ऑर्डर लग रहा है कोई, वड़ा एकदम गर्म है, वड़े खाना का, ये लहसुन का चटनी है, लहसुन घाटी मसाला, घाटी मसाला लहसुन चटनी है, हाँ प्योर लहसुन है, फल्ली भी दिख रहा है लहसुन का, ये बेसन का चटनी है, बेसन का चटनी है, और ये मिर्ची का, मिर्ची अदरक का, हाँ ठेचा, मिर्ची और अदरक रहेगा, मिर्ची अदरक लहसुन सब रहता है इसमें, अच्छा ये स्पाइसी रहेगा, स्पाइसी रहेगा एकदम स्पाइसी, कांदा गोल भजी, कांदा भजी बन रहा है क्या, एक हमारा भी लगाइएगा वड़ा पाव, दे रहा हूँ आपको भी दे रहा हूँ, बटाटा पड़ा, थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा, स्पाइसी बनाओ, हाँ एकदम, थैंक यू, आइए लेट्स स्टार्ट। राजमाता का वड़ा पाव थाने में, और यहाँ के इनके वड़े पाव की खासियत है ये ठेचा जो होगा एकदम स्पाइसी, किक आएगा, मतलब घाटी मसाला तो आपको दिख जाएगा, और ये बेसन की चटनी भी आपको मिल जाएगी, बट ये चीज़ इस देर मज़ेदार USP, आया प्राइस द बटाटा इनटू द थेचा एंड ईट इट। जो बेसन का चटनी है ना मज़ेदार, और ये ना थेचा में ना स्पाइसी स्पाइसी है, यही तो मज़ा है, देखो बटाटा होना चाहिए स्पाइसी, ये बहुत ही कमाल का है।
मजेदार बटाटा और किक। और क्या चाहिए जिंदगी में, मजा नहीं लाइफ। समोसा है, भज्जी है, जो भी चीज़ लो ढेचा के साथ खाना। इसको कूल डाउन करने के लिए कुछ कोकम का देखता हूँ। वड़ा पाव और कोकम का ना बड़ा लोकल सा रिलेशन है। समझने वाले समझ गए। शेट्टी भाई अपने को कोकम के लिए लाए हैं। कोकम पड़ा, मसाला पड़ा और ये क्या पड़ता है, ये भी कोकम है, कोकम शरबत। सारा जुगाड़ फिट है थाने में। बढ़िया सा कोकम शरबत ले लो, बटाटा ले लो, वड़ा पाव ले लो और थेचा स्पाइसी ले लो। लोकल मराठी खाना डन। वड़ा पाव इज लव और स्पाइसी वड़ा पाव इज इवन मोर लवली। और उसको दिल जैसा स्पाइसी कोकम शरबत ऐसा कॉम्प्लीमेंट करता ना, जैसे आप वीडियो पे लाइक और कमेंट करके कॉम्प्लीमेंट करते हो। अपना फेवरेट वड़ा पाव बताओ कहाँ का है। बहुत यमी। वीडियो का एंड कर रहे हैं माई फ्रोयो लैंड से नवी मुंबई में। कुछ नया सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली आप कप चॉइस कर सकते हो। कप चूज कर लिया, ठीक है। फ्लेवर चॉइस यूज कर सकते हैं। यस, यू कैन टेक वेफर वाला। वेफर वाला ले लेता हूं। ओके, इसका एक्स्ट्रा चार्ज है कुछ? नो सर, सब वेट पे मेरा एक्स्ट्रा चार्ज होगा क्या? अच्छा ठीक है। फ्लेवर चूज करूं पहले? मिक्स भी कर सकता हूं? यस, यू कैन मिक्स आल्सो। ठीक है, तो ये पाइनएप्पल, ठीक है, थोड़ा सा पाइनएप्पल चीज केक डाला मैंने अपना और थोड़ा ब्लूबेरी डालूंगा। बस फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 10 फ्लेवर्स हैं। मैंने अपना पाइनएप्पल चीज़ केक और ब्लूबेरी वाला टॉपिंग लिया है। कप का चॉइस ले सकते हैं, ऑब्वियसली टब वो बड़ा वाला है, छोटा वाला, मैंने छोटा वाला लिया है, वॉफल के साथ लिया है। सो दैट इज़ इट। अब मेन सेक्शन पे चलते हैं, ये वाला। इधर क्या क्या है मैम? इसमें फूड टॉपिंग्स है, ठीक है, पॉपिंग बोबा एंड रेड वेलवेट केक एंड ब्राउनीज भी है इसमें। अब मैं अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकता हूँ इसमें? यस। और इसका प्राइसिंग कैसे होता है? वेट पे होता है, इज 1 rupees 50 paise पर ग्राम। इसके वेट पे ना, बॉडी वेट पे नहीं? नो नो, ठीक है। इसके साथ वैसे कौन कौन क्या कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा? ब्लूबेरी फ्रूट फिलिंग ले सकते हो आप। ब्लूबेरी फ्रूट फिलिंग, यस, थोड़ा सा डाल देता हूँ। ये बोबा वो बबल टी वाली है ना? करेक्ट, यस। और थोड़ा सा रेड वेलवेट डाल देते हैं। ये एग्लेस रहते हैं ना? यस, एग्लेस प्योर वेज। और थोड़ा सा पंप करेंगे कैरमल सॉस का। वो बेइज्जती मत कराइए काका। जोर से पंप करना है आपको? मैं तो डर डर के कर रहा हूँ, बेइज्जती ना करा दे। ये 50 रुपए हो गए भाई, मत करो यार, ऐसे डराओ मत मुझे। ठीक है, स्ट्रॉबेरी ब्लेंड, ये क्या चीज़ है? स्ट्रॉबेरी सॉस है वो, स्मूदी। अच्छा, तो इसमें कुछ भी है ना? हाँ, काजू महंगे होते हैं, काजू डालता मुझे काजू। उन्होंने प्राइसिंग कर रखा होता है। हाँ ठीक है ना। और फ्रूट लूप्स, हाँ फ्रूट लूप्स को भी टेस्ट नहीं करेंगे। नीचे वाले बेस का फ्लेवर आएगा नहीं। और एक थोड़ा सा मैं ना वो ऊपर से और डाल देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर पकड़े कप को सर। मेरे पास 3 फ्लेवर है, लोटस बिस्कॉफ, पाइनएप्पल चीज़ केक और ब्लूबेरी। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी फ्रूट टॉपिंग्स डलवाई हैं, थोड़ी सी मैंने ड्राई टॉपिंग्स डाली हैं। अब वेट करते हैं इसका कितना है। नाउ इज़ द टाइम टू पे। भाई साहब 204। बस तो बड़ा हल्का सा मामला हुआ। मैंने तो काफ़ी लोडेड बना दिया मैंने। जीनियस जी, माने जीनियस। 307 पेटीएम हो जाएगा? यस। सही है। कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है ये ना, बाय वेट के हिसाब से ना चीज़ लेने का। नाइस, आइए टेस्ट करते हो। यहीं टेस्ट कर लें या कर सकते हो? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने एक्सप्लेन किया, टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अच्छा वो देखो उधर, वहाँ पे कुछ है। अब तो बिलिंग होगी ना, पहली बार वो जैसे होता है ना, पहली बार सबवे पे जाते हो कुछ भी बना दे तो घेचा पेचा। बट ठीक है, मैंने अपनी साइड से एक्सपेरिमेंट करा है। ये लोटस बिस्कॉफ और ये ब्लूबेरी और ये थोड़ा ब्लूबेरी सिरप और इसमें कोई लेमन बोगा था आई थिंक, और पाइनएप्पल बोगा था और काजू है और कोई थोड़ा रेड वेलवेट। मतलब एक बाइट में इतने सारे फ्लेवर। इसका बेस क्या रहता है? योगर्ट। सही है, कैरमल भी डाला था ना। कितनी तो चीज़ें डाल दी मैंने। और नीचे स्टार्ट किया था पाइनएप्पल चीज़ केक से। हाँ, पाइनएप्पल चीज़ केक में पाइनएप्पल बोबा। यू नीड टू एक्ट फास्ट, सेव द वर्ल्ड, अदरवाइज इट विल मेल्ट डाउन। बैड क्लाइमेट चेंज जोक। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन खाना खाते हुए। मुंबई की गर्दी विद वेजी बाजी सीजन 3 चल रहा है, ऐसे ही कुछ बेहतरीन खाना खाते रहेंगे। इसकी लोकेशन अगर आपको समझाऊं तो वाशी सेक्टर 17, माई फ्रोयो लैंड। ऐसे बटरफ्लाई टाइप हो सा कुछ है वैसे, सेंटर में आ जाऊँगा।
माय गुडनेस। कॉम्प्लीमेंट्री ऑन द हाउस मैम कुछ तो ऑन द हाउस कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट नाइस थिंग। मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा काफ़ी और हम लोगों ने अपना पैकेज भी ठीक ठाक अपने हिसाब से तो बना लिया। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। फ्रूट लूप्स अच्छे थे यार, फर्स्ट टाइम फ्रूट लूप्स खाए, सही कॉन्सेप्ट है। ऊपर से गर्मी भी इतना पड़ता है ना मुंबई में, सही कॉन्सेप्ट रहता है। ओके बाय बाय।